सिथराने ले बंद कीते और इसे भी करता आगे चले तोड़ नमस्कार जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश खजूरिया। आज हम पंचायत गुलपुर पौनी तड़ा रोड पे खड़े हैं। मैं आपको बताता चलूं कि काफी सालों से ये रोड बंद पड़ी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि रोड की क्या कंडीशन है। काफ़ी सालों से ये रोड जो है इसका काम नहीं हो पा रहा है, ये बंद पड़ी है और इससे जो है आम आदमी काफ़ी परेशान है। इस रोड को अब जो है देरी साहब के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर जो है ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान है। और ख़ास मैं बात आपको बताऊँ कि इस रोड को अगर ये पूरी रोड कम्प्लीट हो जाए तो बताड़बड़ी से जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें जामिंग का काफ़ी जो है फ़र्क इससे पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ कुछ गाड़ियाँ इधर से आएंगी और बाकी गाड़ियाँ उधर चलेंगी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो काफ़ी सालों से जो है लोगों की डिमांड थी कि इस रोड को जो बनाया जाए, लेकिन ये रोड नहीं बन पा रही है। कितनी बदतर हालात है इस रोड की, मेरे कैमरा मैन ने आपको बताया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि यूटी गवर्नमेंट के चलते काफ़ी जो है रोडें जो है काम जो रोडों के काम काफ़ी जगह पे हो रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि काफ़ी सालों से ये रोड बंद पड़ी है, इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग जो है वो क्यों नहीं हो पा रही। और आम लोगों की ये डिमांड है कि फौरी तौर पे जो है इस पर जो है ब्लैक टॉपिंग हो, ताकि जो आम आदमी को इसमें चलने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की रिपोर्ट।